लेट्स चेक आपके कट ऑफ क्या होंगे. सी गाइस 360 370 इज अ दीज आर लाइक वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल नंबर्स. एक 370 का अगर आपका स्कोर आ जाता है यू आर क्लोज टू 99.99. ठीक है, ये पकड़ के चलना. ये थोड़ा सा अग्रेसिव है ना. राउंड अबाउट अगर आप देखोगे 280 से लेके 300 के बीच में 95 से लेके 97% आपका आ जाएगा. ठीक है, अगर आप देखोगे राउंड अबाउट 248 से लेके 261, 250 से लेके 260-265 तक अगर लेके आओगे 86 से लेके 89 तक आपका स्कोर आएगा. राइट, फाइन, आगे चलेंगे. इसके नीचे मत जाना. अ रिस्पेक्टेबल स्कोर फॉर सीमैट विल बी राउंड अबाउट 80% अकॉर्डिंग टू मी. अचीवेबल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी राउंड अबाउट 90%. भाई 90% तो तुम आराम से ला सकते हो. हाँ, देर इज नो डाउट. सी, मॉक्स आर डीमोटिवेटिंग. आई नो मॉक डीमोटिवेट आपको करेंगे, बट आप ये सोचो ही मत ना कि मेरा मॉक में क्या स्कोर आता है. देखो यार, अगर आपने इतनी ज्यादा एग्जाम्स अगर अभी तक दिए, गाइज गाइज लेट्स टॉक थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चीजें. अगर आपने इतने सारे मॉक्स अभी तक दिए हैं, आपको पता है कि आपका जो कैट का जो स्कोर था मॉक का, वो एक्चुअल कैट का स्कोर नहीं बना. आपका स्नैप का एक्चुअल स्कोर आपका मॉक से कम या ज्यादा था. आपका जो जैट के मॉक्स में स्कोर आ रहा था, वो जैट के एक्चुअल में नहीं बना. सो आपको पता है देयर इज ऑलवेज गोना बी काइंड ऑफ अ वेरिएशन कि यार मेरा मॉक का स्कोर और एक्चुअल पेपर का स्कोर जमीन आसमान का फर्क होगा. एक तो एक्चुअल मॉक में मैं ज्यादा करूंगा या कम करूंगा. सो इस वजह से मॉक को दिल पे नहीं लेना है. मॉक इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट. मॉक इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन सिलेक्शन सही हो रहा है या गलत हो रहा है.